वाई ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ। वाई वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। लाइफ इज सो स्लीक इन माय किचन। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. हिमालय टेलीविजन देख रहे सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भरियो अभिवादन। आप सभी को एकमात्र चाहे तो कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियाँ से। आपकी पंक्तियाँ फूलों की तरह महकते रहो, सितारों की तरह चमकते रहो, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, औरों को हंसाओ खुद भी हंसते रहो। आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने एक अया का अतिथि है ब्रह्मा कुमारी राजयोग के बारे में तो आप लोग सुनेड़ा ही हो। उनको सेंटर काठमांडू में भी चला है और एम ए अभी उषा दीदी आईडी है। उना से बातचीत करांगा विविध विषय में और कार्यक्रम में उना को स्वागत करा। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं कौन हूँ और भगवान कौन है, ये सबसे अहम प्रश्न है। आस्था के हिसाब से हजारों भगवान है, आप क्या कहते? दो प्रश्न आपने पूछे, एक तो मैं कौन और दूसरा भगवान कौन। तो पहला जवाब है कि मैं कौन, क्योंकि सदियों से ये सवाल मनुष्य के सामने है कि हु एम आई। और ये भी कहा जाता है नो थाई सेल्फ रियलाइज थाई सेल्फ। ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी शक्ति है, जो शाश्वत है। और क्या जानना है? तो ये जानना है कि आत्मा की वास्तविकता क्या है। आत्मा की वास्तविकता अगर कहे तो जीवन के अंदर दो चीज है, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर की वास्तविकता को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व, और इसीलिए शरीर को जीवन जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि ये शरीर बना है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलेगा। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस हो जाता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देता है। एक्सेस नहीं पीता कल के लिए चलेगा, है ना। तो ये पांचों तत्व शरीर को जीने के लिए आवश्यक है, और इसीलिए कुदरत ने सारे संसार की मनुष्य आत्मा क्या प्राणी मात्र के लिए ये पांचों तत्व एक समान बना के रख दिए। उसमें कोई भेदभाव नहीं किए कि भाई हिंदुओं को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा या दूसरे धर्म वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, नहीं, या ये देश वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगी, दूसरे देश वाले को अलग क्वालिटी की हवा पानी, अमीर को अलग क्वालिटी की हवा पानी, गरीब को अलग क्वालिटी, नहीं। पांचों तत्व कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, भाषा का हो, स्टेटस का हो, एक समान। इसी तरह इस शरीर के अंदर जो चेतन शक्ति आत्मा है, क्या आत्मा को भी शरीर में जीवन को चलाने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, और क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्योंकि यही आत्मा की वास्तविकता है। शरीर की वास्तविकता पांच तत्व, आत्मा की वास्तविकता है 7 गुण, 7 वैल्यूज। इसीलिए आत्मा को कहा जाता है आत्मा सतो गुणी है, द एसेंस ऑफ 7 वैल्यूज। और वो 7 गुण कौन से हैं जो हर आत्मा को चाहिए, कोई भी जाति के हो, धर्म के हो, देश के हो, भाषा के हो, स्टेटस के हो, हर एक को चाहिए, है ना।
सबसे पहले चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान। इसीलिए बचपन से हम ये प्रार्थना करते आए, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। कौन सा ज्ञान चाहिए? दुनिया का ज्ञान, भौतिक ज्ञान मनुष्य के पास बहुत है, विज्ञान बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। मनुष्य ने आज जितना भी ज्ञान दुनिया में हासिल किया, उससे सबसे बड़ा अज्ञान उसके अंदर जो डेवलप हुआ वो है अहंकार। ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस। और इसीलिए यह भी कहा जाता है ईगो इज द ग्रेटेस्ट कर्स इन टूडेज लाइफ। ये अहंकार जब टकराता है तो परिवार टूटता है, संबंध टूटते हैं, गलत फहमियां क्रिएट होती है। ये अहंकार का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ईगो प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। तो दुनिया का ज्ञान हासिल करके व्यक्ति के अंदर अहंकार की जागृति हुई, जबकि बचपन से जो प्रार्थना की अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, तो कौन सा ज्ञान चाहिए कि जिस ज्ञान से व्यक्ति के अंदर विनय आए, विनम्रता आए? वो तो आया ही नहीं, तो माना ज्ञान नहीं है ना। अच्छा, आध्यात्मिक ज्ञान भी क्यों चाहिए, क्या होगा उससे? क्योंकि आज के जीवन शैली में ये खूटती कड़ी है, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान उस अहंकार को न्यूट्रलाइज करता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। उसके साथ साथ दूसरा गुण जो है पवित्रता, शुद्धि। जिस तरह व्यक्ति बाह्य शुद्धि अपनाता है, लेकिन आंतरिक शुद्धि जो आत्मा का तेज विकसित करे, जो आत्मा की वास्तविकता है। आज एक बच्चा पैदा होता है, कितना निर्मल पवित्र है, दैट इज द रियल आइडेंटिटी। हम सबकी वही ओरिजिनल आइडेंटिटी है ना। तो दूसरा गुण पवित्रता। आज देखो, कभी कभी दो व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद देखो दोस्ती टूट जाती है। अगर पूछा जाए आपकी तो बहुत अच्छी दोस्ती थी, क्या हुआ? तो कहेंगे बाद में पता चला ये व्यक्ति के अंदर कुछ और बाहर कुछ था। बाहर से बड़ी सफाई वाली बातें कर रहा था, लेकिन ही वॉज नॉट प्योर एट हिज हार्ट, सो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल विथ हिम, सो वेरा बी कंफर्टेबल। जहां पवित्र भावनाएं हैं, शुद्ध भावनाओं की शुद्धि है, विचारों की शुद्धि है, व्यवहार की शुद्धि है, वी आर कंफर्टेबल देयर। आज कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ, है ना, और जैसे ही लोगों को पता चलता है तो क्या कहते हैं, बड़ा खतरनाक व्यक्ति, इससे दो कदम दूर रहना ही ठीक है, खतरनाक कह दिया। और कोई एकदम भोला होता है, जो अंदर वही बाहर, शुद्ध, तो क्या कहते हैं, भगवान का बंदा है, जो अंदर होगा ना वही बाहर होगा, कोई उसमें हेरा फेरी नहीं। सो वेर आर वी कंफर्टेबल, जो भगवान के बंदे हैं उसके साथ, या जो खतरनाक है उसके साथ? हर आदमी यही सोचता है कि भगवान का जो बंदा है उससे मैं खुश हूं, इससे खुश है। इसीलिए जहां वो पवित्र वातावरण में, मंदिर में चला गया, मन की शांति मिलती है, पवित्र वातावरण में जाता अच्छा लगता है ना, क्योंकि यही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, इसीलिए हमें खींचती है मैग्नेट की तरह। जहां अहंकार हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम नहीं पनप सकता है। लेकिन जहां विनम्रता हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जहां शुद्धि हो, उसी संबंध में प्रेम पनप सकता है। तो तीसरा गुण आज हर इंसान को प्रेम चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए, तो बड़े बुजुर्ग के साथ भी जब कोई प्यार से व्यवहार करता है तो अच्छा लगता है। ये नहीं कि बड़े बुजुर्ग ने अभी सारा जीवन बहुत प्यार पाया, इसलिए बुढ़ापे में प्यार नहीं मिला तो चलेगा, नहीं चाहिए प्यार, है ना। और वो भी कौन सा,
स्वार्थ युक्त प्यार नहीं चाहिए, निस्वार्थ प्यार चाहिए। और जहां ये तीनों है, ज्ञान है, शुद्धि है, प्रेम है, वहां शांति है, मेंटली रिलैक्स्ड है। जहां ये तीन में से एक भी कम हो जाए, है ना, इसीलिए तो दुनिया में कहा जाता ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, अभी तक वही पढ़ नहीं पाए, ढाई अक्षर प्रेम का ही नहीं पढ़ पाए, तो शांति कहां? क्योंकि शांति का आधार तो ये तीन चीज है, जब ये तीन है तो शांति है। इसलिए आज हर कोई कहता है शांति चाहिए, शांति चाहिए, शांति चाहिए। कोई भी धर्म वाला हो, कोई भी जाति वाला हो, हर एक को शांति चाहिए। ऊपर के तीन जब तक है नहीं तो शांति मिलेगी कहां? मिलेगी कहां से? और कई बार तो देखो कि कोई व्यक्ति को टेंशन में आप देखते हैं, अरे पूछो उसको क्या बात है, क्यों टेंशन में है, तो कहेंगे फलाना व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है ना, ये टेंशन कर रहा है। अरे भाई प्यार से ही बोल रहा है, फिर टेंशन क्यों होना चाहिए? तो क्या कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग है नहीं, शुद्धि है नहीं, उसके बाद अगर प्यार दिखाता है तो प्यार नहीं, ये जरूर कोई मतलब है। अब कौन सा मतलब है, इसलिए टेंशन हो रहा है ना, तो टेंशन क्यों होता है व्यक्ति को? और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक बिन एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, काठमाडौं को रानी पोखरी स्थित मंदिर प्रत्येक वर्ष कुन दिन खोलिन्छ? अप्सन ए खुशी औसी, अप्सन बी भाई टीका, अप्सन सी छठ, र अप्सन डी माता तीर्थ औसी। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कुरमुरे को गिफ्ट ह्याम्पर प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स 18 हिरो प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को इन्डक्सन कुकर प्रत्येक महिना 1 जनालाई, विभिन्न विशेषता भएको आईएफपी को माइक्रोवेव ओभन प्रत्येक महिना 1 जनालाई पनि। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. ब्रेक के बाद आप सबको स्वागत है। अभी आपा बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र से संबंधित उषा दीदी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। एक को खुशी में देख के लोगों को तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है, और दिन के अंत तक तो वो खुशी गायब हो जाती है। तो कहते हैं एक दिन क्या खुश रहे उसको भी नजर लगा दी, तो वो गायब ही हो गई। आज खुश रहने के लिए व्यक्ति को मौके ढूंढने पड़ते हैं। शादी में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, त्योहार मनाएंगे तो खुश, तो खुशी के लिए भी मौके ढूंढना पड़ रहा है, जो हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है, जिसमें रहने से हम कंफर्टेबल फील करते, अच्छा लगता है, लेकिन खुश नहीं रह पाते। कैसी कैसी विडंबना है, कैसी लाइफस्टाइल है व्यक्ति की, है ना? और जहां ये 6 बातें हैं वहां आत्मशक्ति विल पावर है। आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस भी नहीं है। कॉन्फिडेंस के लिए भी मोटिवेट करो कोई तो कॉन्फिडेंस आए, है ना? और कॉन्फिडेंस न होने कारण लाइफ कैसी हो गई, मिजरेबल लाइफ में जैसे कुछ है ही नहीं। व्यक्ति बहुत जल्दी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं है। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन ताकत नहीं, शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान के पास जाके शक्ति देना, प्रभु हे प्रभु तू शक्ति देना, है ना? यानी कहने का भावार्थ ये 7 गुण जो है ना, ये आत्मा की रियल आइडेंटिटी है। वो हम भूलते जा रहे हैं, वो भूल गए, उस वास्तविकता से हम बहुत दूर चले गए। इसलिए लाइफ में फ्रस्ट्रेशन, जैसे 5 तत्व शरीर को न मिला तो सफोकेशन होता है,
तो ये सात गुण जब नहीं है तो लाइफ में भी सफोकेट हो रहा है, हर व्यक्ति असफोकेट। और इसीलिए कोई भी जाति का हो, धर्म का हो, भाषा को, हर एक को ये सात गुण चाहिए। धर्म के नाम पर अगर लड़ाइयां हो रही तो इसीलिए, शांति के लिए, सुख के लिए, आनंद के लिए, इसी के लिए झगड़ा कर रहे है ना। तभी इंसान कहने में भी कह देता है भाई थोड़ी सी शांति तो चाहते हैं घर में भी, और कुछ नहीं चाहिए, बस यही दे दो, प्यार से दो शब्द तो बोलो, उसमें कौन सा खर्चा लगता है ना। तो हर इंसान ये चाहता है, लेकिन क्या चाहता है समझ में। आज कहीं भी वो जाता है ना, भाई कुछ करता है तो कहेंगे किस लिए, तो सुख शांति मिले। आज मनुष्य धन कमाता है किस लिए, भविष्य की सुख शांति के लिए। करोड़पति को पूछ लो सुख शांति आ गई, कहेंगे भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन यही नहीं है। यानी धन कोई माध्यम नहीं है, जो आत्मा की जो चाहना है उसकी पूर्ति करे। दूसरे शब्द में कहे तो ये सात गुण जो है ना, ये आत्मा की बैटरी है। लेकिन आज के युग में बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, और इसलिए बैटरी को चार्ज करने का तरीका ढूंढते रहते हैं, कहां से खुशी मिले, कहां से आनंद मिले, कहीं से सुख मिले, कहीं से शांति मिले, कहीं से प्यार मिले, वहां तुरंत खींचा चला जाता है। तो ये है आत्मा की वास्तविकता, दिस इज माय रियल आइडेंटिटी, हु एम आई। तो खाली मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी शक्ति नहीं हूं, क्योंकि वास्तव में ये सात गुण जो है ये शाश्वत है, ये चैतन्यता है। आत्मा चैतन्य शक्ति है, तो ये सात गुण यही चैतन्यता की अभिव्यक्ति कराता है कि हम चैतन्य है, जिंदा है। ये जिंदा है उसका प्रमाण ये सात गुणों से आता है, यही चैतन्यता की अभिव्यक्ति है। लेकिन आज हम उससे बहुत दूर हो गए, इसलिए लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, और ये सात गुणों के बदले सात अवगुण आ गए। वो क्या है अवगुण? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, ये सात अवगुण आ गए। उससे व्यक्ति परेशान भी है ना। गुस्सा करने के बाद किसी को शांति मिली ऐसा नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर किसी को कहो गुस्सा छोड़ दो, कैसे छोड़े, इससे बिना काम नहीं होगा, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं चलेगा, हमारा अस्तित्व ही नहीं। यानी जो हमारी वास्तविकता है उससे हमारा अस्तित्व है, ये अवगुण से हमारा अस्तित्व है। आज हर कोई अपना अस्तित्व ये अवगुणों के आधार पर, अभिमान के साथ चलेंगे तो लोग पूछेंगे, झुकेंगे, माना हमारा अस्तित्व हमने क्रिएट किया ये सात अवगुणों के आधार पर। और इसीलिए इतना फ्रस्ट्रेशन बढ़ गया, क्योंकि बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो गई, अब चार्ज होती नहीं है, तो लाइफ लाइफ नहीं। फिर भगवान कौन है फिर? हाँ जी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। आज देखो एक पक्षी का पिता पक्षी है, पशु का पिता पशु है, मनुष्य का पिता मनुष्य है, तो आत्मा का पिता परमात्मा। सिंपल क्वेश्चन है, आत्मा का पिता परमात्मा। आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा एक ज्योति पुंज है ना। इसीलिए व्यक्ति शरीर छोड़ते तो ज्योत जलाई जाती है, कि जो चैतन ज्योत थी वो चली गई, उसके यादगार में वो ज्योत जलाई है ना। तो इसीलिए आत्मा का स्वरूप अगर ज्योति पुंज हो तो उसके पिता का स्वरूप कैसा होगा? वो भी प्रकाश पुंज है, लाइट है, ज्योति है, जिसकी पूजा भारतवासियों ने ज्योतिर्लिंगम के रूप में की। ज्योतिर्लिंगम, लिंग माना आकृति, ज्योति की आकृति, ज्योति की पूजा कैसे करें, इसलिए एक आकृति दे दी ताकि हम अपनी भावनाओं को अर्पित कर सके, है ना। इसीलिए ज्योतिर्लिंगम कहा, जिसको नाम दिया सदाशिव, यानी जो सदा कल्याण करने वाले। शिव माना परम पवित्र,
शिव माना शांति है ना। मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं होता है। किसी का नाम होगा शांति भाई, जीवन में टेंशन ही टेंशन होगा है ना। किसी का नाम होगा त्रिलोक चंद और झोंपड़ा भी नहीं होगा। तो मनुष्य के नाम गुणवाचक नहीं है, लेकिन परमात्मा का नाम भी गुणवाचक है। आजकल तो लोगों ने इसीलिए देवी देवताओं के नाम भी अपने ऊपर रख दिया, राम भाई, कृष्णा भाई, शंकर भाई है ना, और उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, डबल नाम चाहिए, राम कृष्ण, सीताराम, राधेश्याम है ना, गौरी शंकर, और उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो कई लोगों ने तीन तीन इंजिन लगा दिए, शिवा रामकृष्णा, तीन तीन नाम, क्वालिटी एक बिक्की भी नहीं है। तो परमात्मा का जो नाम है वो भी गुणवाचक है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगम आज भी महान तीर्थ स्थान है, और हर मंदिर का नाम भी गुणवाचक, और नाम के पीछे एंडिंग में नाथ या ईश्वर आएगा, अमरनाथ, बबुलनाथ, भोलानाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ है ना, या ईश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, विश्वेश्वर, पापकटेश्वर, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, सारे सबका नाथ और ईश्वर कौन एक। तो भगवान क्या सर्वव्यापी हैं, कण कण में हैं भगवान। अरे भाई, सिंपल सी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर भगवान सर्वव्यापी हो तो आप अपना मन एकाग्र कहां करेंगे, किसको याद करेंगे, किसको याद, कहां मैं अपने मन को एकाग्र करूं। कहते हैं कण कण में है, माना कूड़ा कचरा गंद गटर सब में है, ऊंची ते ऊंची हस्ती और कहां हमने उसको ठोक दिया, कूड़ा कचरा गंद गटर सब में भगवान, माना कितना अपमान कर। आज हमें कोई कह दे कि फलाना व्यक्ति तो जानवर जैसा है तो हमें इंसल्ट महसूस होता है, और भगवान को हम कहें कि जानवर में भी है, कूड़े में है, कचरे में, गंध में, गटर, क्या ये अपमान नहीं है। आज देखो, हम आपको कोई बात पूछे और आपको पता नहीं होता है ना? तो आप यही कहेंगे अरे ऊपर वाला जाने, छोड़ो ना, क्यों ये झंझट में पड़ते। कहते हैं ना, कभी गलती से कहा नीचे वाला जाने, कहा कभी नहीं। फिर ये ऊपर वाला कौन है और नीचे वाला कौन है, गलती से भी जब ये नहीं निकला नीचे वाला जाने ऊपर वाला जाने, फिर ये ऊपर वाला कौन है। आज गीता के अंदर जब भगवान के महावाक्य है, यदा यदा ही धर्मस्य, भावार्थ ये है कि जब जब धर्म की अति ग्लानी होती है तब तब मैं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आता हूं। तो कहां से आए, अगर ये वायदा है भगवान का मैं आता हूं तो इसका मतलब वो नहीं है तभी तो आएगा। अगर वो यही है तो उसके होते इतना अधर्म कैसे, फिर वो धर्म का नाश करने के लिए कौन आएगा फिर, और वो कौन है फिर, अगर वो परमात्मा है तो यहां है वो कौन है फिर। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक बिंद एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, आप सबको स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेवा केंद्र से संबंधित उषा दीदी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जो लोग कहते हैं कण कण में भगवान है या सर्वव्यापी है, असल में वो नहीं है, उसी की खोज हम कर रहे हैं। ऐसा है, ये भावना बहुत ऊंची है,
कई बार कई लोग पूछते हैं हमें कि क्या शास्त्र गलत है, शास्त्र में ही तो ये बात आई है। शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन शायद शास्त्र में जिस भाव से कहा गया था उस भाव को हमने समझा ही नहीं है। शास्त्र किसने लिखे? ऋषि मुनियों ने लिखे। और ऋषि मुनियों ने ये शास्त्र किस बेसिस पर लिखे? जरूर कोई ना कोई अनुभव के बेसिस पर लिखे, जो साधना करते समय उन्हें महसूस हुआ, अनुभव हुआ, उसी के बेसिस पर उन्होंने शास्त्र लिखा। और ये जब साधना में बैठते थे ऋषि मुनि, तो कहा जाता था कि उनके पास ऐसी शक्ति थी, दे वर एबल टू ट्रैवल थ्रू टाइम, समय के अंतराल में वो ट्रैवल कर सकते, इतनी सिद्धि थी उनके पास। और जब वो समय के अंतराल से ट्रैवल करते थे तो वो कलयुग को देखते थे कि कलयुग जब आएगा तो इतना घोर पाप कर्म होगा, तो मनुष्य को पाप कर्म से बचाए कैसे। तब उन्होंने ये बात शास्त्र में लिख दी कि मानव तुम जब पाप करता है तो ये मत समझना कि तुझे कोई नहीं देख रहा है, भगवान सब जगह है, उसकी आंखें हजार है, वो तुझे देख रहा है, ताकि मनुष्य पाप कर्म से बचे रहे। इस भाव से शास्त्र में ये बात लिखी गई। तो ये भाव को लेकर चलना बहुत ऊंची बात है। हमेशा सुरक्षित रखेंगे, हमें हर बुराई से सुरक्षित रखेंगे, है ना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, घुटना करते जब सीखता है तो घड़ी घड़ी घर से बाहर जाता है, उस समय माँ को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं रास्ते पर ना निकल जाए। तो माँ क्या करती है, उस बच्चे को दरवाजे तक ले जाएंगी, बाहर एक कुत्ता या गाय दिखाएंगी और कहेंगी देख बाहर गए, कुत्ता उठा के ले जाएगा। अब कुत्ता कोई उठा के ले जाने वाला नहीं है, लेकिन एक डर बिठाया ताकि बच्चा घर के अंदर खेलता रहे, सुरक्षित रहे। दरवाजे तक जाता है घुटना करते हुए, जैसे ही कुत्ते को देखता है वापस आ जाता है, खुश होता है, हम सेफ, है ना। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उस समय उसको कहो 4-5 साल का हो गया, उसको कहो बाहर गया कुत्ता उठा के ले जाएगा, हंसेगा अपनी माँ पर, मेरी माँ इतना भी नहीं जानती है क्या, है ना। ठीक इसी तरह जब कलि काल आरंभ हुआ तो मनुष्य पाप करने से डरता था, कोई अगर उसको प्रेरित भी करता था ना, ये पाप कर ले, कहता नहीं ऊपर वाला देख रहा है, मैं ये पाप नहीं करूंगा, ऊपर वाला देख रहा है, मैं ये पाप नहीं करूंगा। लेकिन आज विज्ञान के युग में मनुष्य बड़ा हो गया, समझदार समझने लगा, और इसलिए कोई अगर उसको कहता भी है अरे क्यों इतना पाप करता है, थोड़ा तो ऊपर वाले का डर रख, तो क्या कहता है, अरे बाल बच्चे वाला हो, समाज में रहना, इज्जत से जीना है, पाप नहीं करूंगा तो सबका पेट कैसे भरूंगा, उस बात को मानता ही नहीं। अगर इस बात को मानता होता कि ईश्वर सर्वव्यापी है, तब तो उसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता था। तो मनुष्य आज जो है ना दफली बजा रहा है, कण कण में भगवान है, लेकिन प्रैक्टिकल उसको अपनी लाइफ में उस भाव को लेकर चलना नहीं है। पाप कर्म भी करना है और फिर कहना भी भगवान तुझे देख रहा है, कितना अज्ञान कहे या क्या कहे, है? इसीलिए भावना को लेकर चलना बड़ी ऊंची बात है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से मान लेना कि टेबल में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करना, ये कुर्सी में परमात्मा है इसलिए बैठ के इसकी पूजा करो, ये अंधश्रद्धा है। हमें अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करना है, लेकिन भाव को लेकर चलना, और इस भाव को लेकर जो संसार में चला तर गया, पा लिया उसने। अभी आप बातचीत कर रहा था ब्रह्म कुमारी उषा दीदी के सागे, और समय अभाव के कारण से यो कार्यक्रम पूरो को नहीं दिखा पाया हाँ, अगले सप्ताह फिर इनको बाकी अंश आप लोगों ने दिखावांगा। ब्रह्म कुमारी के फॉलोअर्स कहते हैं कि किन किन डेट में भगवान का अवतरण होगा, ये पहले से निश्चित है। ये मनुष्य जन्म अंतिम जन्म है, इसका क्या अर्थ है? ब्रह्मा कुमारी में पूर्ण ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, क्या ये प्राकृतिक नियम के विरुद्ध नहीं है? आज की दुनिया में जो पति पत्नी का संबंध है, शारीरिक संबंध, उसको पवित्र बोला जाता है, तो क्या ये भी पवित्र नहीं है? बाबा की मुरली में कहा गया है कि संगम युग
100 वर्ष का है, उसमें से 78 वर्ष जा चुके, अब सिर्फ 22 वर्ष बचे हैं, क्या अब सत्ययुग की ओर जा रहे हैं हम? भगवान या अल्लाह कौन सी भाषा समझते हैं? राजयोग ध्यान सुबह 4 से 5 के बीच में ही क्यों, और लाल बल्ब के रोशनी में ही क्यों? और अभी जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और यह हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, 19 सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ हुनेछ? अप्सन ए माले, अप्सन बी इस्लामाबाद, अप्सन सी थिम्पू र अप्सन डी काबुल। यसको सही उत्तर हो अप्सन बी इस्लामाबाद। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाईवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 98492 90555, 98423 93 44, 98425 10755, 98074 20813, 98041 0228। खुरमुरेको गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 98046 25 93, 98047 42 65 30, 98062 80 07 19, 97530 00 30, 98936 41 11। बधाई छ। आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही, अगला शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा, तब तक के लिए मनवी इजाजत दो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98498 23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो नेपाल @himalayatv.com पर, और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो, पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी, आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके।